प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं पेपर लीक के बारे में। तो जो नीट का एग्ज़ाम्स हुआ था, UG का, अंडर ग्रेजुएशंस का, नीट का, तो उसका आपको पता है कि एग्ज़ाम पेपर जो है लीक हो गया था। तो उसको लेकर न्यूज़पेपर में जारी की गई नई अपडेट के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है जाँच जारी, संजीव मुखिया, उसके भांजे पिट्टू और सिट्टू की तलाश में छापेमारी। पेपर लीक दफ्तर कैरियर काउंसिल का, मगर नीट में पास कराने का होता था सौदा। नीट UG प्रश्न पत्र लीक मामले में EOU की कार्रवाई जारी है। जेल भेजे गए 13 परीक्षा माफियाओं, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ जारी की जा चुकी है। पूछताछ के दौरान आए तथ्यों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच में यह बात आई कि गिरफ्तार जालसाजों में नीतीश कुमार, अमित आनंद, दानापुर नगर परिषद के जेई सिकंदर यदुवेंदु का, संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव से सीधा संबंध था। अमित आनंद मुंगेर के कोतवाली इलाके के मंगल बाजार का रहने वाला वह पटना में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के SG कॉलोनी में कुलदीप विमदित्य अपार्टमेंट में रहता था। मतलब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि ऑफिस जो है कैरियर काउंसिलिंग का था, लेकिन वहाँ पे नीट का पेपर का जो है लेन देन चलता था। तो ये बातें यहाँ पे जो है सामने निकल कर आई है और उन सभी पे छापामारी किया जा रहा है और उन सभी को पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। बाकी इससे रिलेटेड और जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।